वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 का बजट पेश कर दिया है और इस बजट पे बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब से सांसद जसवीर सिंह गिल जी हैं। गिल साहब, सबसे पहले तो जो उम्मीदें थी लोगों की, खासतौर से पंजाब के और खासतौर से किसानों की जो उम्मीद थी, आपको किस तरह का यह बजट लग रहा है? उम्मीद तो पहले भी ना पंजाब को ना किसान को मोदी सरकार से थी, मगर अब इनका असली चेहरा जो वो सामने आ गया, किसान के लिए पंजाब के लिए एक भी जो है प्रोजेक्ट नहीं रखा, एक भी पैसा नहीं रखा। मैं समझता हूँ कि पंजाब को ये बजट देख के फिर वोट का सोचना चाहिए कि किसको डालनी है, बीजेपी के वोट की हक डालना। आगे आप देखें कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दान और गे इस पे MSP रखी है। हम दुनिया के सबसे बड़े जो है ऑयल सीड के को निर्यात करते हैं, मगर उसको बढ़ावा देने के लिए उस पर कहीं भी सरसों पे या किसी और पे कोई भी इन्होंने MSP नहीं दी, किसी दालों पे MSP नहीं दी, मिलेट्स पे MSP नहीं दी। और भी और आगे देखिए कि अगर आप चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे हमारे खेती बाड़ी में जो यूज़ होने वाले औजार हैं, उन पे जो सबसे ज़्यादा टैक्स उन पे लगाते हैं, उन पे उनको बिल्कुल कम नहीं किया गया। हमारी DAP पे और यूरिया पे सब्सिडी मिलती थी, सब्सिडी तो इन्होंने बंद ही कर दी। इस बार किसान को DAP और यूरिया मिली ही नहीं, इससे बड़ा किसान के साथ धोखा नहीं हो सकता। खादों पे, इंसेक्टीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स पे और बीजों पे इतना ज़्यादा टैक्स की परसेंटेज है, उसे कम नहीं किया गया। एक तरफ देख लें आप कि जो इनके पूंजीपति मित्र हैं उन पे कॉरपोरेट टैक्स था 20%, पिछले बजट में उसे 18% ले आए, इसमें 15% ले आए। मैं तो ये सोच के हैरान रहता हूँ कि 15% टैक्स उनका कर दिया, जो मिडिल क्लास है, जो छोटा दुकानदार है, जो सर्विस नौकरी पेशा आदमी है, उनका इनकम टैक्स का एक फूटी कौड़ी भी कम नहीं की। क्या इस पे हम आस कर सकते हैं? अगर मैं बात कर लूँ सेहत सहूलतों की, सेहत सहूलतों में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1.3% जो है वो GDP का उस पे रखा हुआ सेहत सहूलतों के लिए। इससे हम दुनिया के नीचे से चौथे पायदान पर पहुँचे और हमारी गिनती अफगानिस्तान, सोमालिया और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के साथ होने लग पड़ी, जिन्होंने अपनी सेहत सहूलतों पे इतना कम बजट खर्च किया है। हमारे 1.5 लाख से ऊपर सब सेंटर हैं गांव में या महलों में, गरीब महलों में, उनमें से 1,10,000 ऐसे सब सेंटर हैं, यहाँ पे हमें एक भी हेल्थ वर्कर नहीं है, तो क्या सेहत का हम लोगों की का ख्याल रखेंगे? जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज़्यादा 7.9% यहाँ है। और खेती विभिन्नता, कहते हैं कि हमारे गेहूं और चावल से जो हमारे गोदाम है वो भरे पड़े हैं, तो उसमें खेती विभिन्नता लाने की लोड़ है, उसके लिए एक पैसा नहीं रखा गया। ऑर्गेनिक की बात करते हैं, नेचुरल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो वो ऑर्गेनिक के लिए भी इन्होंने कहा कि गंगा के तराई के 5 किलोमीटर के रेडियस में जो है वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेंगे, तो पंजाब में क्यों? देखो, यही तो सोचने की बात है। हम गंगा मैया की हम सब बहुत पूजा करते हैं, वो हमारे करोड़ों लोगों का, हमारे भारतीयों का श्रद्धा है उसमें, मैं उसके साथ सहमत हूँ, मगर सिर्फ UP में इलेक्शन आ गए तो गंगा मैया की याद आ गई। पहले गंगा मैया को साफ करने के वोट लिए, अब वोट लेने के लिए वो रखा है। और अगर इनको चाहिए था तो सभी जगह थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच देते, हमारे ब्यास दरिया के 5 किलोमीटर का हमें देते, तो उसका कितना फ़ायदा होता, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रही है। अगर आप वहाँ पर उत्साहित करोगे तो मैं समझता हूँ कि इसका बहुत बहुत बड़ा लाभ होता देश, मगर ये इनकी जो सोच है
वो वोटों से लेके वोटों पे खत्म हो जाती है। गिल साहब, इसी सरकार ने जब वो सत्ता में आई थी तो ये वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। आज जब वित्त मंत्री ने बजट पेश किया तो अगले 5 साल के लिए 50 लाख 60 लाख नौकरियों का वादा किया। तो रोजगार आज की तारीख में राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है सबसे बड़ा विषय है, क्या कहेंगे कि आपको लगता है कि पेंडेमिक के बाद जो करोड़ों लोगों की नौकरियां गई उनके लिए एक आस्था कि इस बजट से कुछ निकलेगा? मेरे को बहुत आस थी कि इस बजट में कुछ ना कुछ होगा, मगर मेरे को अफसोस हुआ कि आज 8% बेरोजगारी बढ़ी है, एक साल में 8% बेरोजगारी बढ़ी है, तो उसको कम करने के लिए तो इन्होंने कुछ नहीं किया, ना इस बजट में कुछ है। मनरेगा की डिमांड पिछले साल भी बढ़ी थी, इस साल भी बढ़ी है, सरकार आप मांगती और बजट उसका 12% कम कर दिया, कैसे रोजगार देंगे? ये देश को पीछे खींचने के का बजट है, और मैं ये बहुत इनको इसकी निंदा करता हूँ कि जो पंजाब के साथ इन्होंने गलत व्यवहार किया है और पंजाब को और किसान को और गरीब मजदूर को कुछ नहीं दिया। किसानों को उम्मीद थी, जो किसान आंदोलन कर रहे थे, कानून वापस हुआ, MSP की कानूनी गारंटी होगी, कोई वादा होगा इस बजट में जो आंदोलनकारी किसान थे उनको लगेगा कि सरकार वाकई उनकी चिंताओं के प्रति गंभीर है। आपको लगा इस बजट को देख के ऐसा कुछ? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं लगा इस बजट में, सिर्फ ये लगा कि बड़े ध्यान से अगर आप देखो किसान के लिए कुछ नहीं बचा, इन्होंने अगर कुछ दिया है तो अपने पूंजीपति मित्रों को दिया। आप ध्यान से देखो कि जो कॉर्पोरेट टैक्स था वो 20 से पिछले बजट में 18 किया, इसमें 15 पे ले आया, और दूसरे पास से दूसरी तरफ अगर देखो तो 40 अरबपति जो है नए हुए, मगर उसके उल्ट अगर देखो तो 43 करोड़ लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिए गए। तो इससे पता चलता है कि ये जो सरकार है या ये बजट है ये गरीबों के लिए नहीं है, मजदूर के लिए नहीं है, किसान के लिए नहीं है, दुकानदार के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का बजट है। एक आखिरी सवाल आपसे, पंजाब में चुनाव होना है और पंजाब में एक बड़ा मुद्दा रहेगा, आपको लगता है इस बजट में जो किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, छोटे दुकानदार, इन लोगों के साथ जो आप खुद कह रहे हैं कि उनकी उम्मीदों का बजट नहीं है, तो जनता जवाब देगी वोट से? बिल्कुल देगी, और इस बार भी BJP का सूत्रा साफ है। तो साफ तौर से जसबीर सिंह गिल साहब, इनका भी कहना है कि ये पूंजीपतियों का बजट है, जिस तरह से कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की गई है, लेकिन खास तौर से किसानों और नौजवानों को, खास तौर से रोजगार के मुद्दे पे या किसानों को जिस तरह की राहत की उम्मीद थी वो उम्मीद इस बजट से पूरी नहीं हुई। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। अलीशा बेगम, ना कोई चुनौती ना कोई इनाम, सिर्फ कम नु सलाम, वशीकरण करवाना होवे जो तुड़वाना होवे, प्यार विच धोखा, व्याह लई मां-बाप दा ना मनना, कम उही जो सिर चढ़ के बोले, इधर उधर ना पटको, दुआ भी तकदीर बदल सकदी है, सोचन नाल नहीं फोन करन नाल दुख दूर होवेगा, झूठे ते मिठे बन के लुट्टन वालियां तो सावधान, हर समस्या दा हल 3 दिनां विच कीता जांदा है, जे तुहाडी किस्मत च लॉटरी है तां इस नु किवें प्राप्त कीता जावे, सुपर स्पैशलिस्ट, पति अते पत्नी विचकार दरार, प्रेम व्याह, नौकरी कारोबार विच रुकावट, अदालती केस, तलाक दा केस, सौंकन दुश्मन तो छुटकारा पाओ, लॉटरी सट्टा नंबर, वशीकरण करवाना जो तुड़वाना, बीमारी दवाई दा ना लगना, अलीशा बेगम। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान, 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट, सारियां थामा तो निराश अते मायूस होने वाले, एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे ओवें होएगा, इट्स माय प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज, इल्मा दे माहिर, A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल, वशीकरण अते मुठकरनी, लव मैरिज, सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% गारंटी, अष्टाम पेपर समेत, सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी चनपन, जा दुटोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ, जा तुड़वाओ, रुसे नु मनाओ, हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान, 98199 37467।